हेलो, मेरा नाम डॉक्टर दीपक केळकर है और मैं साइकियाट्रिस्ट, हिप्नोथेरेपिस्ट, डी एडिक्शन स्पेशलिस्ट, सेक्सोलॉजिस्ट, NLP ट्रेनर और एक कोच हूँ। अकोला में मेरा हॉस्पिटल है और मैं काफ़ी सारे पेशेंट रोज देखते रहता हूँ और उसमें ही मेरे पास में काफ़ी लोग कोचिंग लेने के लिए आते रहते हैं। काफ़ी सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि हमको अमीर बनना है, हमारा बिजनेस है, हमारा धंधा है और हमको अमीर बनना है। मैं उनको पूछता हूँ कि आपके सामने क्या उद्देश्य है, आने वाले 5 साल, 10 साल, 15 साल में आप क्या करने वाले हो? तो उनके पास में वैसा कुछ भी गोल, वैसा कुछ भी पर्पज, वैसा कुछ भी उद्देश्य उनके पास में, उनके सामने रहता नहीं है। जब हमारे सामने कुछ तो भी बड़ा उद्देश्य रहता है, बड़ा गोल रहता है और उसके ऊपर जब हम फोकस करते हैं तो वो उद्देश्य पूरा होता है, साध्य होता है और हमें उसमें सक्सेस मिलता है। यदि बड़ा गोल है, वो हम साध्य करते हैं, उसमें सफलता मिलती है, तो स्वाभाविक है कि हम अमीर बन जाएंगे। आपको बताया कि महात्मा गांधी जी बैरिस्ट्री करते थे और उन्होंने फ्रीडम फाइटिंग में जंप कर लिए। वैसे वो बहुत सारे ऐसे कोई कॉन्फिडेंट इंसान नहीं थे कि बहुत ही बड़े अग्रेसिव इंसान थे, ऐसा कुछ भी नहीं था। उन्होंने एक बड़ा गोल, एक बड़ा उद्देश्य उनके सामने क्रिएट किया और वो था इंडिया शैल बी फ्री। बहुत बड़ा गोल। तो जो जो व्यक्तियों ने, आप इतिहास में देखते हैं कि जो जो व्यक्तियों ने बड़ा गोल, बड़ा उद्देश्य उनके सामने रखा, वो बहुत ही बड़े लोग हो गए। आज गांव गांव में, शहर शहर में महात्मा गांधी का स्टैचू है, पुतला है और हर एक के जेब में महात्मा गांधी है नोट के ऊपर। फिर आप कोई भी बड़े कॉरपोरेट लो, कोई बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट लो, कोई बड़े व्यक्ति लो, उनके हर व्यक्ति के सामने एक बड़ा गोल है, बड़ा उद्देश्य है और वो फुलफिल करने के लिए वो काम करते रहते हैं। मतलब आज से 5 साल बाद क्या होगा, किस तरह का मेरा बिजनेस होगा, क्या क्या मैंने बिजनेस में अचीव किया होगा और लोगों के ऊपर उसका क्या परिणाम होगा, लोगों को क्या फायदा होगा। क्योंकि काफी सारे लोगों को मैं पूछता हूं कि भाई आप धंधे पे क्यों जाते हो, तो उनका जवाब रहता है कि पैसे कमाने के लिए। तो जब तक आप पैसे कमाने के लिए वहां जाते हो, जब तक आपके सामने उद्देश्य नहीं है कि भाई नहीं, मुझे लोगों की सेवा करना है, लोगों के लिए मुझे डिफरेंस लाना है, उनके जिंदगी में डिफरेंस लाना है, मैं काम करता हूं तो लोगों को कुछ तो भी फर्क होगा। मतलब हम हरदम बोलते हैं ऐसा कि भाई ए पर्पस विच इज बिगर देन यू, आपसे बड़ा उद्देश्य है, मतलब फोकस आपके ऊपर नहीं है, लोगों के ऊपर है। और जब हम लाखों लोगों के लिए काम करते रहे और काम करने के लिए कुछ बड़ा प्लान तैयार करते हैं तो अमीर बनना बहुत ही आसान है। उद्देश्य यदि रहा तो आदमी बड़ा बन सकता है। जैसा मैं मेरे लाइफ से शेयर करूं तो मैं 6वीं 7वीं क्लास में था तो मेरे दादाजी मुझे हरदम ऐसा बोलते थे कि नहीं, तुझे है ना डॉक्टर बनने का है, डॉक्टर बनने का है। तो तब से मेरे दिमाग में एक उद्देश्य पक्का हुआ था कि नहीं, मुझे डॉक्टर बनने का है। फिर उसके लिए मुझे इंग्लिश मीडियम स्कूल जाना पड़ा, फिर वो मैं गया। इंग्लिश उस जमाने में कोई ट्यूशन नहीं थी, समझता नहीं था, मगर उद्देश्य एक सामने था कि मुझे डॉक्टर बनने का है, बड़ा बनने का है, अमीर बनने का है और उसके लिए मैं काम करूंगा। तो फिर बाद में कितनी सारी कठिनाइयां आई होंगी वो मैंने पूरी पार करते 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 डॉक्टर बन गया। तो जब जब आपके सामने बड़ा उद्देश्य है, बड़ा गोल है और उसके ऊपर हम फोकस कर रहे हैं, उसके ऊपर पूरी हमारी नजर है, हम आज क्या होता है मालूम है क्या? आज हम हैं ब्रोकन फोकस सिंड्रोम से पीड़ित। मतलब हमारा फोकस जो है वो ब्रोकन है। हम कोई भी काम करने लेते हैं तो मोबाइल आएगा, 5 मोबाइल के कॉल्स आएंगे, दोस्तों के कॉल्स आएंगे, 2 बार फेसबुक की घंटी बजेंगी, 4 बार व्हाट्सएप की घंटी बजेगी। हर बार हम खोलते देखते बैठते हैं कि अभी किसका मैसेज आया, किसका व्हाट्सएप आया, किसका SMS आया, किसका, या यूट्यूब पे कोई नया कोई वीडियो डाल दिया किसने। मतलब इतना हमारा फोकस अलग 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 जगह होते रहता है। तो फोकस रखना, पूरी ताकत उसके ऊपर लगाना, एक काम के ऊपर बड़ा पर्पज रखना और पर्पज इतना बड़ा कि ऐसा लगता हो कि नहीं, मेरे लिए वो असंभव है, यह संभव नहीं है, बड़ा, विच इज इम्पॉसिबल। वो यदि करते हैं तो वेन यू आर दी फर्स्ट वन, वेन यू आर दी बेस्ट वन, यदि आप पहले हो वो फील्ड में, यदि आप वो बेस्ट हो वो फील्ड में, तो फिर आप बहुत बड़ा काम कर सकते हैं और बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा कर सकते हैं। नेचुरली पैसा तो आपके पास में आएगा ही आएगा। और पैसा हम क्यों कमाते हैं? पैसे इसलिए कमाते हैं कि हमको जो जो पैसे से खरीदा जा सकता है वो मिल जाएगा। हमें ऐसा लगता है कि पैसे से हमें बड़ी कार खरीदेंगे, पैसे से हम बड़ा मकान, बड़ा बंगला खरीदेंगे,
पैसे से जो जो खुशियां हम खरीद सकते हैं, तो जो जो हमको चाहिए वो पैसे से मिलेगा, इसलिए हम पैसा कमाना चाहते, अमीर बनना चाहते। तो आपको जो जो जीवन में चाहिए, समाधान, आनंद, खुशियां, वो सब आपको मिल सकती है यदि आपके सामने बड़ा पर्पस है, बड़ा गोल है तो। सो थैंक यू वेरी मच। जो जो लोगों को आपके संपर्क में आने वाले जो लोगों को अमीर बनना है, जो लोगों को बड़ा बनने का है, उनको जरूर ये वीडियो शेयर कीजिएगा। आपको फायदा होगा, आपकी कमेंट्स आप जरूर कमेंट बॉक्स में डाल देंगे, आपको फायदा होगा, लोगों को फायदा होगा, तो नेचुरली इस तरह से लोग काम करेंगे। तो मुझे विश्वास है कि एक बहुत बड़ी ताकत, एक हमारा देश, हमारे देश के नौजवान, हमारे देश के सब बिजनेसमैन एक बहुत बड़ी ताकत दुनिया के सामने खड़ी कर सकेंगे, और मेरा उद्देश्य वो है। तो सबको बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो वॉच करने के लिए, और मुझे विश्वास है कि आप ये लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो से फायदा हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।